नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो में बात करेंगे तुला लगन, नहीं सिर्फ तुला राशि के जातकों के लिए, लगन से कोई लेना लादना नहीं, तुला राशि के जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह मई माह का अंतिम सप्ताह, 1 तारीख तक, 1 जून तक कैसा जाएगा, मतलब वोटिंग समाप्त करके कैसे जाएंगे आप। तो स्टार्टिंग जो आप कर रहे हैं मित्रों, स्टार्टिंग आपकी सप्ताह की मूल नक्षत्र में हो रही है। मूल का मतलब होता है जिद पकड़ने वाला, जिद पकड़ के मत रखिएगा। क्रोध पाप का बाप है, इसलिए अपने आप को क्रोध से बचाइएगा। देखिए होता क्या है, जब हम क्रोध करते हैं ना तो दूसरों को तकलीफ दें या ना दें, खुद को तकलीफ ज़्यादा होती है। जब आप लोहा गर्म होता है ना तो दूसरे को जलाए या ना जलाए, बार बार गर्म होने से टूटना शुरू होता है। तो क्रोध से बचिएगा, या 10:37 तक, मतलब 11 बजे के बाद चीज़ें बेहतर होंगी। चूँकि यह आपके पराक्रम का प्रभाव लेके चलेगा, तो मेहनत आप करेंगे, थोड़ा नहीं हो पाएगा तो गुस्सा आ जाएंगे। 11 बजे तक, 10 बजे तक कंट्रोल करके चलेगा, 10 बजे के बाद लोग आपका सपोर्ट करेंगे। आपके हाथ में इस दिन जादू होगा, मतलब टच किए चीज़ें ठीक। कला होती है, देखिए कभी कभी को होता है कुछ आप काम कर रहे हैं इंडिविजुअल डे पर बेहतर काम कर जाते हैं, तो यह जो दिन है बेहतर काम करने का है। अच्छा सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है ना, अच्छा सुनने को मिलेगा, बेहतर तरीके से सुनने को कब मिलता है, जब आप अच्छा काम करते हैं। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो कोई अच्छा आपको सुनाएगा क्या, तो बेहतर है बंधु बांधों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतर तरीके से जा रहे हैं। 27 को देखें, 27 को 10 बजे के बाद शुक्र का नक्षत्र आ जाएगा। शुक्र का नक्षत्र बेहतर परिणाम देगा, क्योंकि आपके राशि इसका नक्षत्र है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके साथ बेहतर कनेक्ट हो रही हैं। बंधु बांधव सपोर्ट, किसी अच्छे मित्र से मुलाकात होने की संभावना है। बंधु बांधव या भाई लोग आपके सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो यह दिन भी आपके बेहतर जाएगा। 28 को देखें तो 28 को प्रातःकाल तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, मतलब सरकार से आप 27 को ही 10 बजे के बाद सरकार से टचअप हो रहे हैं। सरकार से मतलब आपको लाभ मिलेगा, सरकारी संस्थान से लाभ मिलेगा, बड़े लोगों से लाभ मिलेगा। आप रुके हुए कामों को पूरा करके जा रहे हैं 28 तारीख को प्रातःकाल तक, 28 तारीख के प्रातःकाल से लेके और फिर 29 तारीख को जो आ रहा है, ये आ रहा है अच्छा सुनने का। तो यहाँ पर आपको अच्छा श्रवण करने को मिलेगा, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, लोग फ़ोन करके आपके हाल चाल लेंगे, मन थोड़ा सा प्रफुल्लित होगा, मन खुशी होगा। हर तरह से यहाँ पे आप सुख प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सुख की चीज़ें आपको मिलेंगी। घर में वातावरण भी अच्छा रहेगा, कोई अगर आप छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कार्य करेंगे, बेहतर लाभ मिलेगा। तो ये आपको 28-29 तारीख प्रातःकाल तक मिल रहा है, 29 तारीख प्रातःकाल से लेकर 30 तारीख प्रातःकाल तक, क्योंकि इस बार जो नक्षत्र का गोचर है प्रातःकाल 9-10 बजे तक है। तो 29 तारीख को 9 बजे से लेके और 30 तारीख को प्रातःकाल 7 बजे तक शक्ति के साथ आगे बढ़ने का है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, धन लगा है, तो आर्थिक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त करने का है। भूमि भवन वाहन में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम है, एक दिन में तो भूमि नहीं खरीद सकते ना आप, इसमें आप कुछ परेशानी है, उसको आप ठीक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 30 तारीख को देखें तो 30 तारीख को प्रातःकाल से लेकर 31 तारीख तक प्रातःकाल राहु का नक्षत्र आएगा, जिसका नाम है शतभिषा, डॉक्टरी वाला नक्षत्र। राहु आपको सूट करता है, क्योंकि आपके लगन में है, पंचम में है, नवम में है, तो राहु आपको सूट करेगा। तो यहाँ पे आप पुराने से पुरानी परेशानियाँ, पुराने से पुराने बीमारियाँ या जो भी हैं उनको ख़त्म करके आप आगे बढ़ रहे हैं, एक बेहतर डॉक्टर की भूमिका में आप होंगे। तो 31 को प्रातःकाल से लेके 1 तारीख को प्रातःकाल तक जो नक्षत्र आएगा वो गुरु का नक्षत्र आएगा। गुरु कहीं ना कहीं आपको संघर्ष करना सिखाते हैं, गुरु कहीं ना कहीं आपको मेडिकल में, तो आपको 30 तारीख 31 तारीख को प्रातःकाल से लेके 1 तारीख के बीच में, पूरा 1 तारीख या लगभग 36 घंटे जो आपके आएंगे ना, कहीं ना कहीं मेडिकल का चक्कर लगाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, हॉस्पिटल का चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम चाहें या ना चाहें, कभी कभी होता है हमारा कोई परिचित बीमार हो गया तो उसके लिए जाना पड़ता है, तो जाइए, क्योंकि रिश्ता निभाने से बनता है। तो सप्ताह आपका बेहतर जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी बेहतर जाएगा। और 30-31 तारीख को परेशानी ना आए उसके लिए आपके आसपास जो मंदिर है ना, वहाँ पे आधा दर्जन केला ले जाके दान करके आइएगा,
ठीक है ना, बेहतर परिणाम मिलेगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे।